Very good morning and a very warm welcome back to all the CLAT and the AI Elite aspirants and all the aspirants who are aspiring to become a very important part in the future law fraternity you all are cordially very warm welcome back to the law prep tutorials on live live stream class and in today's the hindu analysis and the daily newspaper analysis class i have brought for you the very important segments of the news which were in the newspaper of today not only of the today but also of the previous days if it is very important i will bring it to you राइट अपार्ट फ्रॉम इट नॉट ओनली ऑफ द हिंदू बट आल्सो इंडियन एक्सप्रेस टाइम्स ऑफ इंडिया और बी द और बी द मिंट वेर एवर पॉसिबल ऑलिवेंट आर्टिकल्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इमेरेटिव इट इज श्योर राइट वेरी गुड मॉर्निंग चलिए आइए दोस्तों इस क्लास को शुरू करते हैं और आज की क्लास के अंदर शुरू करने से पहले मैं बहुत ही बेसिक चीज बताना चाहता हूँ नो अबाउट मी दिस इज माई बेसिक इंट्रोडक्शन एक इंपॉर्टेंट न्यूज है आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज ये है आप सभी के लिए कि आज शाम को अराउंड अराउंड एट ओ क्लॉक अराउंड एट ओ क्लॉक वी आर मीटिंग बैक फॉर अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक राइट यू कैन सी दैट देर द एपिसोड ऑफ द न्यूज आर्टिकल्स ऑफ द न्यूज राइट दैट द राहुल गांधी वॉज बेसिकली यू नो लाइक इंटरोगेटेड और इंटरव्यूड और क्वेश्चन बाय द एनफोर्समेंट डिरेक्टरेट सो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड वॉट इज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी Then we understand about the Central Bureau of Investigation. Right? So called the Delhi Police Special Establishment Act through Banawa important organization. Then the Central Vigilance Commission. So, what are the roles of ED? How CBI and CVC and ED have a silver lining and the common underlining. We try to understand this through this class today. Right? I hope that you all are sure and certain about uh, uh, the mode of preparation. Alright. चलिए तो यह टॉपिक शाम को आठ बजे डिस्कस होने वाला है विदाउटोरियनल इट अ वेरी इंपॉर्टेंट डे आज का दिन बहुत ही लंबा दिन होने वाला है। के सबसे लंबा दिन द लॉन्गेस्ट डे इज टूडे एंड दाइट नाइट इज टूडेट सेल्फ टूडे इज द ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ जून इसको समर सोलिस्टिस भी बताया गया है वॉट वी आर कॉलिंग इट वी आर जस्ट गिमे सेट

So when was the resolution came around? It was 2014, and after two months, right, from the September to December, UN gave the approval, right? So here, United Nations gave the approval that uh, we will be celebrating international yoga day and when did we start from the 2015 21st of the june 2015 means 7 years ago 7 years ago we basically celebrated the very first dunya barmay paheliban trusti Yogdivas manaya right so yoga is a very important

अब यह चीज क्लियर हो गई आपके पास में अब हम सर ट्वेंटी जून को ही क्यों बेसिकली डेट चुना गया है योगा डे के लिए बिकॉज हमारे जो नदन हेमिस्फेयर में देखो ये हमारी अर्थ है दिस इज आर अर्थ है ना दिस इज आर इक्वेटर दिस इज द फर्स्ट हाफ दैट इज द नदन हेमोस्फेयर और ये है सदर्न हेमिसफेयर और नदर हैमिस्फेयर के अंदर बेसिकली यहां पे एक प्रॉपर आपके पास में लाइन है जिसको हम लैटिट्यूड कहते हैं जिसको हम कहते हैं 23 थ्री एंड हाफ डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड राइट एंड द सन रेज डिरेक्टली फोल ओवर इट मतलब टूडे सन सिचुएशन इज ओवर हियर समवेयर वे सनराइज इज डिरेक्टली फॉलिंग ओवर दिस पर्टिकुलर लाइन राइट और यहां से आज बेसिकली जो है सन की मूवमेंट जो है अब साउथवर्ड होना शुरू हो जाएगी साउथवर्ड होना शुरू हो जाएगी और जब यहां पे सन यहां पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे पहुंच जाएगा ट्वेंटी थ्री एंड हाफ डिग्री साउथ पे पहुंच जाएगा है ना उसको हम बेसिकली क्या कह देंगे आपके पास में दिस विल बी येट अनदर सोलिस्टिस इसको हम कहेंगे विंटर सोलिस्टिज और अभी आज क्या है ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ जून क्या है आपके पास में दिस इज समर सॉलिस्टिज विल वी रिमेंबर Will we remember this point is very important, sir? Can you please send uh, uh, its written notes on PPT? Yes, it will be done. So, please do not go to this deep, okay? It has to be, it has to be because the nature of the paper is something like that. अगर आपने क्वेश्चन पेपर्स को देखे हैं एलिट का पेपर देखिए आप अभी क्लैट का जो पेपर हुआ है ना आपको वाई ट्वेंटी फर्स्ट जून तो हो सकता है आपके सोलिस्टिस से रिलेटेड क्वेश्चन वहां पे आ जाए हालांकि अभी सोलिस्टिस समर सोलिस्टिस है ना योगा डे से रिलेटेड पूछा जा सकता है, है ना एक तरीके से और पूछा जा सकता है When is the longest day in the northern hemisphere? The so, longest day in the northern hemisphere is today 21st of June. When is the shortest shortest night in the northern hemisphere? It is also today. Means 21st June is the longest day and shortest night. सो इंडियन ट्रेडिशन के अंदर इसको समर सॉलिस्टीज के रूप में जाना जाता है दैट सन टर्न्स साउथवर्ड्स राइट एंड द डूइंग योगा ऑन दिस डे इज द द द इट लाइफ ऑफ पीपल इन द व्यू ऑफ दिस योगा डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन दिस डे दिस डे इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क माय वर्ड राइट चलिए आगे और समझने की कोशिश करते हैं तो ये है आपके पास में देखिए इक्वेटर जीरो डिग्री इक्वेटर दिस इज द ट्रॉपिक ऑफ

ओवरहेड ज्यादा से ज्यादा ये रह सकता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक उससे ज्यादा नहीं और साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तक उससे नीचे नहीं जाएगा सन इसको याद रखने की कोशिश करना तो यह सोलिस्टिस वाली सिचुएशन हो जाती है सोलिस्टिस इज इंपॉर्टेंट वाई बिकॉज यहां पे सोलिस्टिस होते हैं दोस्तों हमारे पास में यह पर्टिकुलरली विंटर वाली सिचुएशन है स्प्रिंग वाली सिचुएशन है आपके पास में ठीक है ना फॉल वाली सिचुएशन है आपके पास में समर वाली सिचुएशन है मीन आपके पास में सोलिस्टिस इज ऑल अबाउट अर्थ टू मूवमेंट अर्थ की दो मूवमेंट अर्थ की एक मूवमेंट होती है व्हेन अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस ट्वेंटी फोर आवर्स फॉर वन रोटेशन ट्वेल्व आवर नाइट जनरली ट्वेल्व आवर अ डे बट टूडे वॉट हैपन्स द डे विल बी लॉन्गर एंड द नाइट विल बी शॉर्टर यू मार्क माइ वर्ड राइट सो यहां पर अर्थ की एक मूवमेंट है रोटेशन उसके कारण डे एंड नाइट होते हैं और अर्थ की एक और मूवमेंट होती है उसको हम कहते हैं so, को अंडाकार भी कह सकते हैं दिस इज द एलेप्टल ऑर्बिट कैन यू सी दैट दिस इज नॉट एग्जैक्टली राउंड दिस इज नॉट एग्जैक्टली राउंड सो इस चीज को याद रखा जा सकता है सो इफ यू थिंक इफ यू थिंक वॉट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू वॉट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड देर इज नो नीड ऑफ टीचर एंड यू आर लेक्चरिंग द टीचर दैट ओके टेक दिस एंड डोंट टेक दिस एंड आई थिंक दैट यू ऑलरेडी पर्जेस द विजडम आई थिंक दैट यू ऑलरेडी क्वालिफाइड इनफ एंड यू हैव नो लॉन्गर नीड ऑफ दिस सेशंस आई बिलीव राइट सो हैव सम पेशेंस वेन समबडी इज टीचिंग यू समबी इज ट्यूटिंग यू बी ओपन माइंडेड बी ओपन माइंडेड बी अकोमोडेटिव इन दैट सेंस you need not always be perfect in whichever terms or whichever a uh, uh, methodology that you may think because there is always something to learn i have to learn from you guys and you are supposed to learn from this platform right and that is how the give and take of the learning goes on so we has to be always be very highly accommodative and we has to be highly wisdomful when it is coming to the learning segment we are right now students and we are supposed to behave as one right moving ahead तो यहां पे सॉलिस्टिस जो है आपके पास में दिस सॉलिस्टिस और द रेवल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सीजनल चेंजेस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सीजनल चेंजेस राइट सो हियर द सनलाइट इज डिरेक्टली स्ट्राइकिंग ओवर द ट्वेंटी थ्री एंड हाफ डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड दैट इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड दैट इज हाउ इट इज नोन एज दॉलिस्टिस राइट यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट सी चीज है आई हैव गिवन फ्यू ऑफ डायग्राम्स फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग फ्यू ऑफ द डायग्राम्स फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग सो यू अंडरस्टैंड इज एन इंटरेस्टिंग फैक्ट सो यहाँ पे जो वर्ड है सोलिस्टिस्टिस कम्स फ्रॉम द वर्ड सोल सोल मीन्स द सन सोलर मीन्स राइट एंड सिस्टर्स स्टेशनरी सो वेन सन इज स्टैटिकोन एज दिशन मतलब जब आप प्रकाश जब आप आसमान में सूरज को देखते हैं इट सीम्स वेरी स्टैटिक मीन्स इट इज बेयरलीम मूविंग इन द स्काई मतलब दिन बहुत लंबा लगता है दिन बहुत आपको लंबा लगता है राइट द डेज आर डेज आर

न्यूज के अंदर है टाइम्स ऑफ इंडिया में है इंडियन एक्सप्रेस के अंदर है द हिंदू में भी बेसिकली ये न्यूज में रहा है पिछले दस दिन के अंदर भी और आज भी इसके ऊपर कुछ कॉमेंट्रीज आई है सो so, एक टॉपिक है आपके पास में नेपाल इंडिया टाइज से रिलेटेड है और नेपाल इंडिया टाइज्स के कई डायमेंशन देर आर प्लेटी ऑफ द डायमेंशन दै नेपाल एंड इंडिया एंजॉयस राइट बट आउट ऑफ दैट वन डायमेंशन इज गिवन टूडे इन योर न्यूज पेपर दैट डायमेंशन इज नोन बाय वेस्ट से पावर प्रोजेक्ट वेस्ट सेम ऑफ अ रिवर राइट बिटवीन द इंडिया एंड नेपाल किस तरीके से यहाँ पे पॉवर प्रोजेक्ट के ऊपर कॉपरेशन और कॉर्डिनेशन होने वाला है एंड ऑन दैट देर इज एन कॉमेंट्री ऑन गोइंग एंड देर इज अ रिफ्लेक्शन ऑन द स्टेटिक डेटा विच हैज बीन ऑफ द नाइनटीन सिक्सटीज ऑफ द नाइनटीन नाइनटीज ऑफ द टू थाउजेंड ट्वेंटीज समिंग लाइक दैट सो दैट डेटा इज बिंग रिफ्लेक्टेड अपॉन सो देर इज हार्डली मच to acquire from this because there is less chances that this, this thing will solidify government has already signed many agreements and the memorandum of understanding right but it has barely come up with the details of project execution. So, until and unless something is not solidifying, we are not saying that it has higher probability. But though, when something is again and again echoing into the national newspaper, there is bound to be some ramification of that echo in future, right? So, down the lane, maybe one or two months, we may be saying that this news or this particular aspect or the dimension of the Indo-Nepal ties will be fructifying into a kind of a real project or a kind of a new treaty that you may see in the future so today we will be giving you a sneak peek and you must be seeing that we will be consolidating on that sneak peek into the future classes through the editorials as well so today's class this topic is important just to build a mental hook i will say mental hook why a mental hook because the future information of the indo nepal tie should be a additional layer on that right जैसे आपके घर में होता है कि नहीं होता है? हैंगर होता है एक हुक होता है हैंगर एक राइट सो हमको आज हम इस टॉपिक को इतना बेसिक से ताकि एक मेंटल हुक क्रिएट हो जाए और इस पॉइंट्स के अलावा फ्यूचर के पॉइंट्स को भी आप आगे एड ऑन कर पाए आप एबल टू अंडरस्टैंड राइट सर हमारे लिए दिन काफी शॉर्ट ही रहेगा कॉज वी चलिए कोई कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं देखिए हर एक आदमी के पास में मैं बता रहा हूँ आपको वेन वी वर इन द एक्टिव स्टडीज वेन वी वर बेसिकली हैविंग द सेम रियल रोल एज यज एक्टिव स्टूडेंट फॉर अम्पिटिशन और दिस काइंड ऑफ थिंग हमको दिन रात का अंतर ही पता नहीं होता था हमारे लिए चौबिस घंटे हैं बात खत्म सो so, हमारी मॉर्निंग होती थी सुबह छः बजे से लेकर के रात को दस बजे तक स्टडी डेस्क दैट्स इट है ना तो हमको बेसिकली क्या करना चाहिए कि ये सारी चीजों से सेकेंडरी सब से मोहमाया इनसे निकल जाओ और एक बार जब आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी तो दुनिया आपको सलाम ठोकेगी ठीक है ये याद रखना छह महीने का समय आपके पास में सिटी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट यहां पे को करने वाला है पर चाइना विड्रो कर देता है कि ये काम नहीं करने वाला हूं और अब बेसिकली भारत के प्राइम मिनिस्टर जो है जब लुम्बिनी की विजिट जो अभी हाल ही में बुद्ध जयंती के सेलिब्रेशन पे हुए हैं नेपाल का जो इन्विटेशन आया कि मोदी जी आइए मोदी जी गए और उन्होंने कहा कि भैया मैं वेस्ट सेती के अंदर इन्वेस्ट करना चाहूंगा तो आप देख पा रहे होंगे आपका नेपाल है और इसका जूम आउट यहां पर के के कहीं ना कहीं एक डैम बनाया जा रहा है जिसको वेस्ट है इंडिया विल बी इन्वेस्टिंग मनी इन टू इट राइट ताकि पावर क्रिएशन हो सकते पावर कैसे क्रिएशन हो सकता है सपोज दिस इज रिवर राइट रिवर्स वाटर है ना उसको प्रॉपर एक तरीके से डैम बनाते हैं एक तरीके से वहां पे वाटर को स्टोर किया जाता है और उसको टर्बाइन के ऊपर बेसिकली ड्रॉप किया जाता है 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 टर्बाइन में क्या होता मैकेनिकल एनर्जी क्रिएट होती है जो आगे जाकर के इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है इट्स ऑल अबाउट द फिजिक्स बट आपको यह याद रखना है कि नदी के पानी से डैम बनाया जा रहा है मतलब पानी इकट्ठा किया जा रहा है और उस डैम को एक फोर्स के साथ टर्बाइन चलाया जा रहा है और उस टर्बाइन के थ्रू मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है कैसे कन्वर्ट होती है वो सेकेंडरी मैथड वो साइंस वाला मैथड अभी से जनता का याद रखेंगे मोदी जी गए लुम्बिनी घूमने के लिए और वहां पे एक अनाउंसमेंट भी करके आए वी आर

छह दशकों से अटकले लग रही है यहाँ पे जाने चाहिए। ना? ड्राइंग बोर्ड ड्राइंग बोर्ड्स का क्या मतलब वो आपके पास में स्केचेस ही हैं, अनाउंसमेंट्स ही हैं। सर कभी कुछ चीजें फ्रूटिफाई नहीं हुई है इट हैज नॉट बेसिकली है ना लाइक फ्रूटिफाइड इन द रियल रिजल्ट तो यहां पर पिछले साठ साल साथ से सिक्स डेकेट से कुछ ज्यादा रिटर्न नहीं मिला है सर हमको लेटली गवर्नमेंट हैज प्रोजेक्ट एज द वेस्ट रिवर राइट तो यहाँ पे वेस्ट रिवर का जो प्रोजेक्ट इसको रिमॉडल किया गया मतलब उसमें कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं एक ज्वाइंट स्टोरेज प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है कैपेसिटी जिसकी होगी ट्वेल्व हंड्रेड मेगा की सर सब ख्याल फुलाव है सब ख्याल फुलाव है मतलब यहां पे कहा तो कुछ जा रहा है पर पिछले साठ साल से कुछ किया नहीं जा रहा है प्रोजेक्ट्स प्रोजेक्ट्स पे प्रोजेक्स बन रहे कभी चाइना आ रहा कभी भारत आ रहा है कभी नेपाल कुछ कर रहा है बट इट इज नॉट फ्रूटिफाइंग इन टू द फाइनल रिजल्ट तो यहां पे फाइनली जो चीज बताई जा रही है आपके पास में कि चाइना के पास में जो है अभी हाल ही में बहुत ही कम एनर्जी क्रिएट हो रही है मतलब चाइना के पास में जितनी एनर्जी है उतना वो क्रिएट नहीं कर रहा है तो आपके पास में चाइना डिफाइनिंग मॉडल फॉर इंडो चाइना पावर रिलेशन इन द फ्यूचर कह रहा है कि अगर भारत मिलके चाइना की अगर नेपाल की मदद करे भारत मिलके नेपाल की मदद करे मे बी इन द फ्यूचर मे बी इन द फ्यूचर आर रिलेशन विल बी बेटर रिलेशन क्या खराब हुए थे हाँ दो में खराब हुए थे तो यहां पे याद रखना देर इज अ रिवर है. नेपाल क्यों इम्पोर्टेंट है आपके पास में क्योंकि यहाँ पे बहुत ही रिच सोर्सेज है लगभग छह हजार नदियां बहती है नेपाल में सिक्स थाउजेंड रिवर्स बहती है और उन सिक्स थाउजेंड रिवर स्ट्रीम्स को अगर हम अच्छे से यूज करें एज अ पावर जनरेटिंग रिसोर्सेस पावर प्रोजेक्ट की तरह देर मे बी के नेपाल की भी जो आवश्यकता है वो कंप्लीट हो सकते हैं और इंडिया की भी इलेक्ट्रिसिटी नीड्स जो है इसे फुलफिल की जा सकती है नदन इंडिया की यहां पे महाकाली ट्रीटी साइन की गई थी 1996 के अंदर के सर 6400 मेगावाट का पावर बनाया जाएगा बट इंडिया स्टिल नॉट बीन एबल टू कम अप विद डिटेल्ड प्रोजेक्ट मतलब जो 1996 के अंदर बात की गई थी आज भी ट्वेंटी सिक्स लेटर्स भी उसके ऊपर कोई एग्जीक्यूशन नहीं किया गया है इंडिया ऑल्सो इज नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन द ठीक है ना यहां पे काफी लोग इसके अंदर साइन भी करते हैं कॉन्ट्रेक्ट भी करते हैं पर इसके अंदर कुछ आगे कुछ खास प्रोसेस हुआ नहीं है बस ये याद रखना कि इंडियन पीएम की विजिट हुई थी नेपाल में 2014 में उन्होंने कहा था कि इंडिया मस्ट स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग द प्रोजेक्ट्स इन

नेपालीज आर्मी पे पूरा कंट्रोल है इंडियन रॉ जो है वो पूरा का पूरा कंट्रोल करके रखा है नेपाल वगैरह को है ना और इंडिया का बहुत ही हैवी इन्फ्लुएंस है नेपाल के अंदर और चाइना पूरा हिमालय क्रॉस करके बेसिकली नेपाल में आकर के हर काम नहीं कर सकता छोटी से छोटी चीज बड़ी से बड़ी चीज बोलो यह बेसिकली ऊपर तो है हिमालय और यहाँ पे है नेपाल और यहाँ पे ये यह पूरा इंडिया अगर इंडिया ने यहाँ इकोनॉमिक ब्लॉकेट लगा दिया कि भैया तुम्हारे पास में हुक्का पानी हवा कुछ भी आना जाना सब बंद तो ये नेपाल वाले कैसे रहेंगे ऐसा ही हुआ 2015 के अंदर यहां पे क्या होता है कि नेपाल और इंडिया के बीच में एक स्टैंड ऑफ हो जाता है है ना, ना और इसके कारण भारत क्या लगाता एक इकोनॉमिक ब्लॉकेट लगा देता है यहां पे इक्वेशन चेंज आफ्टर द पीएम ड्यूबा विजिट ओवर टू कवर द दी तो यहां पे जो उसके उस समय के प्राइम मिनिस्टर uh, हुआ करते थे यहां पे मिस्टर ऑली नेपाल के जो बेसिकली इंडिया के साथ रिलेशन खराब होने के लिए uh, 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 जिम्मेदार भी थे उसके बाद में देओबा करके आते हैं नए प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और इंडिया तब अपना जो स्टैंड जो है वह इज़ करता है ये विजिट करते हैं इंडिया को और ये कहता है भैया अभी हमको भारत के साथ में क्या फ्रेटरनल रिलेशंस बनाने हैं है ना रिलेशन बेटर करने हैं इकोनॉमिक ब्लॉकेट नहीं बनाना है मतलब पिछले पी ने चाइना कार्ड प्ले खे, प्ले किया इंडिया ने उसको फेल कर दिया और अब वापस वो पीएम चेंज हो गया अब नए पीएम वो आ रहे माए बाप गलती हो गई जो भी था भूल चुक माफ करो और आगे की बात करो यहाँ पे इंडिया के साथ पे एक हिस्टोरिकल टाइज है अगर हम देखें आपके पास में फॉरेन पॉलिसी में भी ये जोग्राफिकली नेपाल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है अगर हम देखें हिस्टोरिकल कल्चरल और इकोनॉमिक लिंकेज भी हमारे पास में रहा है क्योंकि तैराई वाला एरिया जो है नेपाल का वह बिहार वाला यूपी वाला और उत्तराखंड वाले एरिया के अंदर यहाँ पे रोटी बेटी का रिश्ता है मीन्स आपके पास में इकोनॉमिक और सोशल दोनों तरह के रिलेशन इंडिया नेपाल in के साथ में प्लस हिंदुइज्म और बुद्धिज्म देखा जाए तो एक तरीके से बर्थ प्लेस यहां पे भी देखने को मिलेगा कई यहां पे आपके पास में, जैसे बुद्धा की जन्मभूमि देख सकते हैं कुछ समय पहले सो वॉट इज द फुल प्रेजिडेंट आई गेस मिस्टर ओली है और कुछ नहीं राइट right? इसको याद रखने की कोशिश करना ठीक है ना कि सर मैरिज रिलेशन है इंडो फ्रेंडशिप इंडो नेपाल फ्रेंडशिप ट्रीटी जो है पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी कब साइन की गई थी 1950s में ये याद रखना कि एक स्पेशल रिलेशन होगा इंडिया और नेपाल का काफी सारी रिवर्स जो ओरिजिनेट होती है नेपाल से और फीड करती है पेरिनियल रिवर सिस्टम को भारत के अंदर इकोलॉजी के तरीके से और हाइड्रो पावर के तरीके से इंडिया के लिए नेपाल हमेशा इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बेसिक हैं और हमको भी याद रखनी है और अभी थोड़े टाइम पहले क्या हुआ था आपके पास में ये लीपू लेक वाला एरिया ये काला पानी वाला एरिया है ना चाइना ने बोला था कि ये तो हमारे ही सॉरी uh, नेपाल ने कहा था कि ये तो हमारे ही एरिया में आता मतलब एक ऐसा मैप शो कर दिया था जिसमें कि ये काला पानी और लिपू लेकर इसने अपना एरिया बताया था फिर कुछ टाइम बाद में वो बोलता है चलो ठीक है ठीक है ऐसा कुछ नहीं गलती से कुछ हो गया इंडिया ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से प्रोटेस्ट किया था यहाँ पे उस वक्त भी ठीक है ना तो यह भी बेसिकली चाइना वाली नीति पाकिस्तान वाली नीति धीरे धीरे अपना रहा है बट ये होना लाजमी भी है ये होना लाजमी इसके लिए है क्योंकि इनकी एस्पिरेशन बढ़ती जा रही है इनकी एस्पिरेशंस बढ़ती जा रही है बात करते हैं जहां पे हम बात कर रहे हैं टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट एक्सप्लेनर से एल बिटकॉइन देखिए ये हमारा नॉर्थ अमेरिका है कनाडा यूएसए मैक्सिको और ये आ जाती है आपके पास में सेंट्रल सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज में एक छोटी सी कंट्री है जिसका नाम है एल सेल्वाडोर क्या नाम है एल सेल्वाडोर इसको इक्वेडोर से कंफ्यूज मत हो जाना इक्वेडोर जो है साउथ अमेरिका के अंदर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पे एल सेल्वाडोर की बात की जा रही है ये जो एल सेल्वाडोर है दोस्तों के ने क्या कहा कि भैया मेरे यहाँ की जो नेशनल करेंसी है वो खत्म अब डॉलर मेरी नेशनल करेंसी होगी कुछ सालों पहले उन्होंने डॉलर को वहां की मतलब अमेरिका की जो करेंसी है उसको इक्वेडोर के प्रेजिडेंट ने अपनी नेशनल करेंसी बना दिया ठीक है ना अब डॉलर को भी बेसिकली नेशनल करेंसी कैसे बनाएंगे सर यहां से कुछ डॉलर बोरो करेंगे और वो अपने सिस्टम में इन्फ्यूज करेंगे उसके लिए भी तो पैसा लगेगा दे विल हैव टू टू पे पर वो पेमेंट कहां से होगा बोले तो बोले यार मुश्किल हो रही है इट इज टफ द द डॉलर फ्रॉम मार्केट तो क्या करें सर बिटकॉइन में पैसा लगाते तो इन्होंने क्या किया इतनी बड़ी मूर्खता की कि बिटकॉइन को अपनी नेशनल करेंसी बना दिया है ना बिटकॉइन को अपनी नेशनल करेंसी बना दिया इस चीज को याद रखा जा सकता है आपके पास में ठीक है ना अच्छा जब इन्होंने बिटकॉइन को भी नेशनल करेंसी बनाया कुछ समय पहले तब बिटकॉइन ऑल टाइम हाई पे चल रहा था पूरे कंट्री के अंदर ये बोल रहे है किराने की दुकान पे जाना है तुमको डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर करना है तुमको स्कॉलरशिप चाहिए तुमको बसेस में ट्रेवल करता तुमको ट्रेन का टिकट चाहिए तुमको एयरप्लेन का टिकट चाहिए तुमको घर पे पानी का इलेक्ट्रिसिटी का बिल बढ़ना है बिटकॉइन में पे करो मतलब सरकार खुद पुश कर रही है बिटकॉइन को अब क्या हुआ इनकी हालत खराब इनकी हालत खराब किस तरीके से हो गई सर आपके पास में कि पिछले साल इन्होंने इन्होंने सितंबर 2021 2021 के के अंदर अंदर बिटकॉइन जो है, इसको बेसिकली बना दिया अपनी नेशनल करेंसी जब इन्होंने ने नेशनल करेंसी बना दिया अब ये डेट कैसे पे कर पाएंगे जब तक बिटकॉइन अच्छा परफॉर्म रहा था तब तक ठीक है बट बिटकॉइन अभी ट्रेड कर रहा है जो उसका प्राइस पहले सिक्सटी नाइन थाउजेंड डॉलर हुआ करता था प्रेजेंट टाइम है आपके पास में 20000 डॉलर क्या आप देख पा रहे हैं इट इज लेसर देन द 1/3 मतलब अपनी लगभग 30% से भी नीचे की वैल्यू के ऊपर ये आ चुका है मतलब जनता से जो वहां से टैक्स का पैसा लिया हमारे से जैसे टैक्स का पैसा लेते मोदी जी मोदी जी टैक्स का पैसा लेते जैसे कि आप एक सपोज uh, uh, ये पेन खरीदते इस पेन के ऊपर जीएसटी लगाया मोदी जी ने अब ये जीएसटी का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के पास अब स्टेट गवर्नमेंट क्या करे कल की तारीख में वही पैसा लेकर सिक्सटी नाइन थाउजेंड के अंदर एक बिटकॉइन खरीदे और पता चले कि एक हफ्ते के अंदर उसकी वैल्यू घिर के कितनी हो गई ट्वेंटी डॉलर और हमारे पास में कोई सॉवेरिन बैकिंग नहीं मतलब हमारी कोई करेंसी ही नहीं है वी आर टू एंटायरली डिपेंडेंट क्योंकि यह पूरा क्या है आपके पास में वलरेबल मार्केट है कभी भी भाव बढ़ जाएगा कभी भी भाव घट जाएगा तो अभी दुनिया को डर है कि एक और श्रीलंका एक और जिम्बाब्वे एक और पाकिस्तान एक और ग्रीस पैदा ना हो जाए यहाँ पे एल सेल्वर के फॉर्मेट के अंदर ठीक है ना तो यहाँ पे आ, आ, एक तरीके से एल सेल्वर जो है वहां पे बिटकॉइन क्रैश के कारण काफी सारी जो सिचुएशन है वह वर्सन होने वाली है अच्छा सर यहां पे पूछा जा रहा है द बाइंग डिप अभी भी बेसिकली इसके जो प्रेसिडेंट है उनको

एक और होता है ना कि विपरीत परिस्थिति में आदमी की बुद्धि भ्रमित हो, हो जाती है भ्रष्ट हो जाती है वही हो रहा है <laughs> पूरी कंट्री का आम जनता का पैसा लेकर के वो बिटकॉइन में डाल रहा है और ये बिटकॉइन अभी सिक्सटी थाउजेंड से ट्वेंटी थाउजेंड डॉलर हो गया अभी ट्वेंटी थाउजेंड डॉलर से कब टू डॉलर का या टू हंड्रेड डॉलर का हो जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कंट्री दिवालिया हो जाएगी और आप तो बेसिकली बैग लेके निकल जाएंगे जैसे अशरफ घानी निकल गए थे है ना इकोनॉमिक ऑफेंडर बन जाएंगे भाग लेंगे कहीं जाकर के बेसिकली जो है शरण लेंगे दूसरी कंट्री के अंदर जाके छुप जाएंगे जनता का क्या होगा तो इसीलिए ऐसी तरह की इकोनॉमिक पॉलिसीज और बिटकॉइन की वलरेबिलिटी के कारण जनता आज भी दुखी तो है जनता कह रही है भैया हम तो नहीं चाहते हमारे ऊपर थोपा जा रहा है है ना हम सबको तीस तीस डॉलर के फ्री में बिटकॉइन राशन की दुकानों पर दिए गए मतलब सबको के फ्री वॉलेट है सब लोग यूज करो ताकि जनता यूज करने लग जाए ठीक है ना और अभी जनता कह रही है वी आर नॉट इंटरेस्टेड के ये जो वॉलेट है चीवो सी एच आई वी ओ चीवो करके वॉलेट है इसको हम यूज करें थर्टी डॉलर हम सबको सब दिए जा रहे हैं बट वी डोंट वांट दैट एल सेलोडोर की गवर्नमेंट इनेबल है अभी वो के डॉलर तो बोरो नहीं कर सकते क्योंकि पैसा ही नहीं है पास में और जो बिटकॉइन है वो भी डूब रहे हैं आपके पास में इट रीजन और द हंड्रेड परसेंट जो उनका डेट जो है मतलब वो जितना एक साल में कमाते सपोज वो एक साल में आ, 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 वन मिलियन कमाते और वन मिलियन कमाने के लिए उनको वन मिलियन का लोन लेना पड़ रहा है तो भैया क्या कमाया और क्या खाया तुमने समझने की कोशिश कर रहे हो तो इनका जीडीपी जो है वो हंड्रेड परसेंट ऑफ द जीडीपी का तो इनका डेट हो चुका है डेट मतलब इनके ऊपर जो आ, आ, एक तरीके से ऋण जो है लोन जो है वो इतना है अच्छा अभी गवर्नमेंट कहती है आपके पास में कि सर मैं पैसा मार्केट से उठाऊंगी इसलिए गवर्नमेंट बॉन्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटी जारी करती है पर गवर्नमेंट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो जारी की एक तरीके से जंक बॉन्डस है जंक बॉन्ड्स क्या होते हैं सर आपके पास में जंक बॉन्ड कोई भी कंपनी जारी करती है है ना ऐसी कंपनी जो मार्केट में फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही है जिसकी क्रेडिट रेटिंग बहुत ही कम है ठीक है ना ये हो सकता है कंपनी डिफॉल्ट भी हो जाए मतलब आज आपने कंपनी को एक हजार डॉलर दे दिए हो सकता है वो कंपनी आपको वापस नहीं दे पर फिर भी आप जंक बॉन्ड खरीदते क्यों क्योंकि इसमें इंटरेस्ट हाई मिलता है जनरली आपको पांच दस परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा ये कहेगा मैं बीस पच्चीस इंटरेस्ट देने वाला हूं आपको ठीक है ना हायर वॉलेटाइल होंगे मतलब अगर आए तो एक हजार के दो हजार बन के आएंगे पर अगर नहीं आए तो ये एक हजार रुपए भी डूब जाएंगे तुम्हारे ठीक है ना और हायर यील्ड मतलब हाई यील्ड के कारण सबसे ज्यादा लोग पैसे इसमें लगाते हैं हो सकता है है ये वापस वही ना एरा फेरी वाला लक्ष्मी चिटफंड घोटाला हो सकता है तो बच के तो यहाँ पे एल सेलवर्ड और भी इस तरह के जंक बॉन्ड्स बेसिकली लेकर आया मार्केट में।, में मार्केट से पैसा उठाऊंगा हायर इंटरेस्ट रेट के ऊपर और जनता उसमें इन्वेस्ट करे परंतु जनता अभी भी क्या है थोड़ी सी है सरकार पे विश्वास मत करो तो वो फॉरेन के अंदर कहीं और निवेश कर देंगे पर अपने ही अपने ही कंट्री के बॉन्ड्स को नहीं खरीद रहे हैं वहां की जनता इसी के अगेंस्ट यहां पे दो इंपॉर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशन आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक इन्होंने भी कहा था कि भैया आपको बेसिकली रिलाय करना चाहिए इंटरनेशनल डॉलर बेस्ड इकोनॉमी के ऊपर और ना कि बिटकॉइन के ऊपर आप बिटकॉइन को करेंसी बना रहे हो मूर्खता का सौदा किया है प्रेजिडेंट हैज द फंड आई एम एफ कह रहा है कि हम आपको पैसे देंगे नहीं क्यों नहीं देंगे क्योंकि जब कोविड की सिचुएशन के अंदर वी गेव यू द फंड फॉर मैनेजिंग द कोविड क्राइसिस आपने मिसमैनेज किया उस फंड को भी बिटकॉइन में लगा दिया बंदे ने सोचो तो बोल रहे हैं कि वी विल बी नॉट गिविंग यू एनी मोर डिसीजंस टू मेक बिटकॉइन ऑफिशियल करेंसी उस वक्त भी आईएमएफ ने मना किया था अभी जंक बॉन्ड से पैसा उठा रहा है और डेट जो है वो बढ़ता जा रहा है डेट जो है वहां का बढ़ता जा रहा है ग्रेटर अडोप्शन बिटकॉइन ऑफ विल तो जगह बिटकॉइन से ही टैक्स लेंगे मतलब टैक्स भी बिटकॉइन में लूंगा सारी सुविधाएं भी बिटकॉइन में डूंगा डॉलर को रखूंगा इन्हें जबकि यहाँ पे जियो थर्मल प्लांट लगाए इस बंदे ने जियो थर्मल प्लांट से बेसिकली क्या बनेगी इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी और इस इलेक्ट्रिसिटी से बेसिकली क्या करेंगे वो इलेक्ट्रिसिटी से बड़े बड़े माइनिंग प्लांट चलाएंगे जैसे कि ये बिटकॉइन है ना बिटकॉइन को बेसिकली खरीदा नहीं जा सकता तब तो आप बिटकॉइन को कई बार माइन भी कर सकते हो ये तो है क्या कोड ही तो है एक कोड ही तो है इस कोड को जनरेट भी कर सकते पर इस कोड को जनरेट करने के लिए बिटकॉइन को जनरेट करने के लिए यू हैव टू माइन इट मतलब कोई खुदाई से माइनिंग नहीं होगा इलेक्ट्रॉनिकली होगा सॉफ्टवेयर के थ्रू होगा पूरा प्रॉपर आपको एक सिस्टम क्रिएट करना होगा यहाँ पे मिलियंस ऑफ द डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट लगेगा आपके पास में और काफी सारे टेक्निकल सुविधाएं आपको देनी होगी और वो पूरा सिस्टम फिर एक तरीके से Uh, जो है एक बिटकॉइन को जनरेट करता है तो इस बंदे ने किया क्या किया कंट्री के अंदर जो जियोथर्मल पावर पॉवर प्लांट है ना उसके थ्रू बिटकॉइन माइनिंग शुरू कर दी कैसे बिटकॉइन माइनिंग शुरू मतलब जनता के पैसे का और दुरुपयोग और यहाँ अगेंस्ट द यूएस डॉलर मींस दैट गवर्नमेंट विल हैव टू सेल फॉर अ फ्यूअर डॉलर दस अफेक्टिंग द कैपेसिटी टू रिपे पहले क्या होता आपके पास में एक एक बिटकॉइन सिक्सटी डॉलर अभी क्या है एक बिटकॉइन ट्वेंटी डॉलर तो ऑब्वियसली अब ज्यादा बिटकॉइन पे करने पड़ेंगे आपको है ना सो इन दैट सिचुएशन इट इज इज और भविष्य में ये ये डूब भी सकता है 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 आपके लिए इसकी जिस्ट तैयार करके करके दे इसको करके दे रखी इसको हाईलाइट रखा है। जनता अभी भी कह रही है हमारे पास कोई रीजन नहीं है कि बिटकॉइन को यूज करें क्योंकि इसकी प्राइस वॉलेटाइल है ये अनरिलाइबल है हम हमारी दुनिया भर की हमारे जीवन भर की वेल्थ जो है हम क्यों बिटकॉइन में डाल दें है ना ये तो कभी भी स्लाइड हो जाएगा नीचे किससे मांगने जाएंगे हम हमारा पैसा बात सही है सर राइट एल right. <laughs> तो सेलोडोर ने यूएस डॉलर को पहले अपनाया था अभी बिटकॉइन को अपना रखा है राइट और वहां पे reluctant है वहां की जनता बिटकॉइन को एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज एज ए मनी यूज करने के लिए एल सेलोडोर पता चला अपन को आइए एक और चीज के बारे में पढ़ लेते हैं अब नई चीज जो है हमारे पास में अमृत सरोवर मिशन की बात करते हैं अमृत सरोवर मिशन को बूस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है ना अमृत सरोवर सरोवर क्या होता है सरोवर शब्द का मतलब होता है पौंड तालाब है ना इस तरीके से सरोवर मतलब जलाशय वाटर बॉडी राइट तो ये जलाशय से ये वाटर बॉडी से जो भी नदियों से पॉंड से तालाब से जो भी मिट्टी निकलेगी उस मिट्टी का यूज किया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जनरली इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब आपके रोडवेज बनाना तो हमारे पास में गवर्नमेंट सरकार जो हमारी गवर्नमेंट है इसमें मिनिस्ट्री ऑफ द रेलवे और एच नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है रेलवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, ने मिलकर के कहा कि जो और सिल्ट एक्सकेवेट हो रही है से हर जिले के के अंदर अंदर पूरे भारत के अंदर, हम उसको यूज करेंगे एक अमृत सरोवर मिशन के अंतर्गत और उसी मिट्टी का उसी सिल्ट का यूज करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के अंदर याद रखेंगे सर मेरे क्लैट में सिक्सटी सेवनटी के बीच में है मेरा होगा क्या बी फुल ऑफ पॉजिटिविटी एज द नेम गोस बाय जो भी होगा अच्छा होगा द क्वेस्ट ऑफ द नॉलेज द क्वेस्ट ऑफ द नॉलेज लाइज इन द पर्सनैलिटी बिल्डिंग कैरेक्टर बिल्डिंग है ना इट डजेंट लाइ वेदर लाइज इन टू लाइक वेदर आई विल बी इन दैट एन एल यू और दिस एन एल यू इन दैट लॉ कॉलेज और इन दैट इन दिस लॉ कॉलेज अगर होता है बेस्ट अगर नहीं भी होता है क्वेस्ट शुड नॉट बी स्टॉप्ड एंड द वॉय मस्ट गो ऑन ठीक है यह याद रखना एपीजे अब्दुल कलाम कौन से आईआईटी से पढ़े थे राजेंद्र प्रसाद कौन से जाम में कौन से कोई बड़े कोई बड़े कॉलेज से पढ़े हुए हैं ऐसी बड़ी बड़ी को शायद आप और मैं जानते हैं बड़े बड़े लॉयर्स हैं नॉर्मल कॉलेज से भी तो पास आउट है ही है ना सुप्रीम कोर्ट में मान सकते हैं कि कई लॉयर्स होंगे जो एनएलयू से पास आउट है हर जज को जरूरी नहीं है कि एक एनएलयू से ही निकला है अल्टीमेटली हमारा टारगेट क्या है एक अच्छा ज्यूरिस्ट बनना एक अच्छा लॉयर बनना और एक लीगल अवेयर बनना यही हमारा टारगेट है ना अगर हम लॉ की तरफ जाना चाह रहे हैं तो और आपको पता होना चाहिए आने वाले टाइम में बहुत ही ज्यादा बहुत ही ज्यादा इनकी डिमांड्स रहने वाली है ना अब मैं आपको नॉर्मल भी ये बताऊं कि एक लॉयर अगर ढंग से भी काम करता है ना मिनिमम भी तो महीने का पांच दस लाख रुपए आराम से कमा रहा है फाइव फाइव लैख टू टेन लैख इज अ मिनिमम एक छोटे शहर के अंदर अगर आप बड़े शहर में चले गए तो उसको आप मल्टीप्लाई करते जाओ ठीक है ना इसका मतलब ये नहीं है कि सर अगर मैं एनएलयू में जाऊंगा तो ही मैं अच्छा बन जाऊंगा अगर मैं डीयू में चला गया तो कुछ और खराब है या फिर अलीगढ़ में चला गया तो कुछ और खराब है नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं है अगर मैं गवर्नमेंट लॉ कॉलेज या कोई लोकल कॉलेज में पढ़ रहा हूँ बट अगर मैं अपने कॉन्सेप्ट को राइट रख रहा हूँ मेरी क्वेस्ट ऑफ नॉलेज को राइट रख रहा हूँ मैं जुडिश्री का टारगेट लेके चल रहा हूँ मैं कंपटीशन का टारगेट लेके चल रहा हूँ है ना मैं जज बनने की कोशिश कर रहा हूँ है ना तो आपका टारगेट वो होना चाहिए कई लोग बेसिकली इसको कॉर्पोरेट की तरह देखने की कोशिश करते हैं वेरी गुड गो फॉर फॉर द कॉरपोरेट जॉब एज वेल बट हमेशा याद रखने की कोशिश करना इट्स ऑल अबाउट योर स्किल इट्स नॉट अबाउट योर डिग्री दीज डेज आज की तारीख में अगर आपके पास में स्किल्स हैंज क्या कह रही है बड़ी बड़ी कंपनी एल एन मस क्या कह रहा है यू हैव द स्किल यू प्रूव इट टू मी यू डोंट नीड अ डिग्री मतलब आपके पास डिग्री नहीं है फिर भी आपको जॉब दी जा रही है कॉर्पोरेट के अंदर कारण यू हैव द स्किल राइट तो वेट लेट्स वेट फॉर द कट ऑफ लेट्स वेट

बहुत ही वेमेंटली बिहेव कर रही हैं, दे आर बर्निंग द So, जलाशयों से जो भी वाटर बॉडीज से हमको सिल्ट मिलेगी सॉइल मिलेगी हम उसको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में यूज करना चाहते हैं सब हम सब मिलकर एक काम कर सकते हैं कि हम संकल्प करें कि इस वर्ष प्रतिपदा से पहले वर्ष प्रतिपदा तक हर जिले में पचहत्तर अमृत सरोवर बनाएंगे सर इससे क्या होगा एक तो अभी रेन सीजन आने वाली है इससे दो काम होंगे रेन सीजन में हमने बेसिकली पॉइंट बनाया तो एक तो वन्य जीव है उनके लिए अच्छी बात हो गई जो भी वाइल्ड लाइफ है वो उसके ऊपर डिपेंडेंट हो सकते हैं दूसरा हमारे एग्रीकल्चर नीड्स में वो हेल्प कर सकते हैं हमारी ड्रिंकिंग वाटर की शॉर्टेज uh, में वो हमको हेल्प कर सकते हैं दूसरा वहां से जो सैंड निकली जो सॉइल निकली उसको बेसिकली हम कहा जा सकते हैं रेलवे अथॉरिटीज का जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है रोड रेलवे बेसिकली उसको यूज किया जा सकता है एंड दैट्स व्हाट द एम इज सो अमृत सरोवर मिशन लॉन्च ऑन ट्वेंटी फोर्थ ऑफ अप्रैल अभी नया लॉन्च नहीं हुआ है ये दो महीने पहले लॉन्च किया जा चुका है टू व्यू टू कंजर्व द वाटर फॉर द फ्यूचर ताकि भविष्य में वाटर को कंजर्व कर सके अभी तो हमने बेसिकली क्या करने की कोशिश की है अभी मंत्रालय ने कहा है कि भैया ये जो मिट्टी आ रही है ना मतलब एक पंथ दो काज। है ना वाटर शॉर्टेज भी हो गया और इंफ्रास्ट्रक्चर नीड भी हो गया ये है सस्टेनेबल सॉल्यूशन ये है इंटेलिजेंट सॉल्यूशन राइट तो मिशन इज एम्ड एट डेवलपिंग द रिज्यूटिंग 75 वाटर बॉडीज इन डिस्ट्रिक्ट कह रहे हैं कि हम पचहत्तर वाटर बॉडी जो जलाशय होंगे जैसे कि पॉन्ड्स हो गए आपके पास में और भी कोई भी तरह की वाटर बॉडी कोई लेक हो गई उनको हम रिज्यूनेट करेंगे रिज्यूमनेट मीन्स उसको वापस तैयार करेंगे और उसमें जितनी भी सॉइल जितनी भी सिल्ट जितनी भी मिट्टी है वो हम निकाल करके बेसिकली किसको दे देंगे ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में रोलवेज रेलवे रोडवेज और रेलवेज वालों को तो 50,000 थाउजेंड वाटर बॉडीज जो है बेसिकली आपके पास में एक एकड़ की साइज और उससे बड़ी हम बनाने वाले पूरे भारत के अंदर इस साल मिशन एनकरेज करता है कि हम सिटीजन्स को और नॉन गवर्नमेंट रिसोर्सेज को यहाँ पे सप्लीमेंट करेंगे इसको कैरी आउट करने के लिए मतलब सरकार तो करेगी सरकार के अलावा आप और मैं भी भागीदार है और नॉन गवर्नमेंट सोर्सेज भी इसमें लगेंगे मतलब एनजीओ नॉन गवर्नमेंटल सोर्सेस मतलब एनजीओ एज वेल क्लियर क्लियर ऑन दैट लेडीज एंड जेंटलमैन राइट तो यह चीज भी हमारी क्लियर हो गई है 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 ना इन इन डिपार्टमेंट्स के अंदर बेसिकली यहां पे जो यह लॉन्च किया जा रहा है ठीक है ना ये इसको यूज करेंगे सर टेक्निकल पार्टनर कौन होंगे इसमें भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो जिसको एन के नाम से जाना जाता है है ना टेक्निकल पार्टनर कौन है भास्कर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो है ना ये इसके साथ में टेक्निकल पार्टनर है इस मिशन का याद रखेंगे बाइसाग एन देखिए आपके पास में अभी भी क्वेश्चन कई सारे आए थे जिसमें पूछा गया कि एक तरीके से शॉर्ट फॉर्म दे दी देन इट इज बीन आस्क्ड व्हाट इट स्टैंड्स फॉर पूछा जा सकता है बाइसाग एन पूछा जा सकता है अमृत सरोवर का टेक्निकल पार्टनर कौन है फिर पूछा जा सकता है बाईसाग एन का फुल फॉर्म क्या है राइट right? सर वो डिपार्टमेंट इंपॉर्टेंट है अब ये डिपार्टमेंट देखो डिपार्टमेंट रूरल डेवलपमेंट गांव में डेवलपमेंट के लिए मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा लैंड रिसोर्सेज मतलब जो जमीन के रिसोर्स है उसके अंदर काम करेगा तो ऑब्वियसली उसको भी मिट्टी चाहिए ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन हमने कहा कि सर पानी की शॉर्टेज को कम करना है तो ये डिपार्टमेंट ऑब्वियसली काम में आएगा वाटर रिसोर्स वाले को बेसिकली जैसे पॉन्ड्स है रिवर्स है है ना इरीगेन के लिए पानी चाहिए तो उनको भी बेसिकली यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है पंचायती राज मतलब गाँव के अंदर यह का ये चीज बेसिकली जो पंचायती राज वाला जो हमारा मिनिस्ट्री है वो एग्जीक्यूट करेगा क्योंकि पूरे गाँव के अंदर पंचायत का ही तो सारा का सारा वर्चस्व होता है

राइट वी आर क्लियर ऑन दैट तो इस मिशन को हम याद रख सकते हैं ओके okay, इसका टारगेट क्या है हमारे पास में कि हम कंप्लीट करेंगे 2023 तक 50,000 हजार अमृत सरोवर बनाने की बात की जा रही है ठीक है ना और लगभग हर एक का एरिया एक एकड़ से थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होगी हर एक की टेन क्यूबिक मीटर की ठीक है ना तो मिशन अमृत सरोवर योजना दो से शुरू की गई है दो तक यह चलने वाली है राइट फिर पीपल्स पार्टिसिपेशन होगा नेशनल फ्लैग होस्टिंग होगा अमृत सरोवर के साइड के ऊपर हम ये करेंगे वो करेंगे ये सारी की सारी चीजें जो है आपके पास में बोल बच्चन है एग्जाम में क्वेश्चन ये थोड़े से कम आने के चांसेस रहेंगे ठीक है ना दैट्स इट जितना इंपॉर्टेंट था अपन कर चुके हैं इसके अंदर अच्छा अब एक और पॉइंट है आपके पास में लिख लो डच डिजीज आज का लास्ट है ये क्या है आपके पास में द डच डिजीज डच डिजीज क्या हुआ आपके पास में बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट रहने वाला है इसको थोड़ा सा अच्छे से नोट डाउन करने की कोशिश करो दोस्तों डच डिजीज के अंदर कोई भी कंट्री की ग्रोथ जो है जैसे कि यह ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है ग्रोथ कभी ज्यादा कभी धीरे है ना कभी नरम कभी, गरम, कभी, नरम, कभी नरम कभी गरम कभी नरम कभी गरम कभी बहुत ही ऊपर तो यह एक तरीके की अन ग्रोथ है हमारी ग्रोथ किस तरीके से होती है? है कि सर पहले हम सिक्स परसेंट पे थे फिर सेवन पे आए फिर एट पे आए फिर नाइन पे आए फिर थोड़े टाइम नाइन पे रहे फिर वापस एट पे आए फिर सेवन पे गए मतलब एक बार आपको पता चला कि भाई ये बंदा जो है सिक्स लेकर के एट परसेंट के बीच में ग्रोथ कर रहा है चलो ठीक है परंतु ये क्या है एक बार दो परसेंट दूसरी बार दस परसेंट तीसरी बार तीन परसेंट फिर बारह परसेंट फिर है वापस चार परसेंट फिर है सोलह परसेंट बोले ये तो अनइवन ग्रोथ है ना भैया मतलब तुम्हारा कोई एक प्रॉपर स्टेटिक मैप नहीं है रेदर यू आर हैविंग मच हाइज एंड द लोस डीप एंड द पिक्स है ना इसको याद रख लो हाँ बिल्कुल कभी नरम कभी गर्म वाले सिचुएशन तो यहां पे ऐसा क्यों होता है ऐसा क्यों होता है उसको समझना ये है, है डच डिजीज है ना अब किसी भी कंट्री के अंदर अन ईवन ग्रोथ मिलती है क्योंकि वहां पे अचानक से क्या मिल गया खजाना अचानक से क्या मिला खजाना पैसा रोकड़ा है ना तो वहां पे नेचुरल रिसोर्सेज में जैसे कि आप गए थे अमृत सरोवर खोदने और आपको मिल गया ऑयल रिजर्व क्या मिल गया ऑयल रिजर्व मतलब वहां पे खोद दे तो गए थे भैया मैं पॉन्ड लेक वगैरह तरीके से एक्सप्लोरेशन के टाइम वहां पे कुछ ऐसे नेचुरल रिसोर्स प्राकृतिक संसाधन मिल गए जैसे कि गोल्ड माइन मिल गया आपको जैसे कि डायमंड का माइन मिल गया आपको जैसे कि गैस पेट्रोलियम रिजर्व मिल गया आपको अब उस चीज को बेच के पैसा ही पैसा होगा तो ऐसे के कारण क्या होगा अचानक से ग्रोथ अचानक से ग्रोथ बोले तो कंट्रोल ही नहीं होगा उस कंट्री के हाथ से ना और उस ग्रोथ को देख करके क्या होगा जो आदमी ने सोचा भी होगा सपने में कि सर मैं पेट्रोलियम इंडस्ट्री में काम करूंगा अब वो भी बेसिकली भी बेसिकली पेट्रोलियम इंडस्ट्री के अंदर मुंह हम चल पड़ते मतलब पहले टीचिंग का काम करता था वो आदमी अब बोलेगा नहीं नहीं यहां पे पेट्रोलियम इंडस्ट्री अच्छा काम कर रही है चलो इसको छोड़ करके पेट्रोलियम इंडस्ट्री में आ जाते हैं फिर इसके कारण क्या होगा अब टीचिंग इंडस्ट्रीज सर्विस सेक्टर और जो आपके पास में मैन्युफैक्चरिंग है विल डीप तो एक बार तो मार्केट ऊपर गया फिर वापस दूसरी बार मार्केट नीचे आ जाता है और लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी जो होती है वो फेल हो जाती है और इस सिचुएशन में बेसिकली हमेशा कंट्री को बहुत ही समझदारी से काम लेना होता है है ना अब जैसे आप ही हो आपकी पॉकेट मनी क्या है एक बार कमेंट में लिख के बताना तो अभी टेंथ ट्वेल्थ वाले बच्चे हैं उनकी पॉकेट मनी क्या है सपोज एक्स अमाउंट पॉकेट मनी है अगर वही एक्स अमाउंट को गलती से तुम्हारे पापा जी इस बार तुमको दे दे थाउजेंड एक्स वन थाउजेंड एक्स कर दे अभी तक तो तुमको फाइव हंड्रेड मिल रहा था अभी तुमको कर दिया जाए तो आज से तेरा पॉकेट मनी पांच लाख महीने का बोले पापा आप श्योर हो देने वाले हो मजाक तो नहीं कर रहे हो मम्मी पापा को क्या हो गया है समथिंग लाइक दैट तो उस वक्त तो आपको बहुत समझदार होना होगा मतलब आप दो दिन तो शौक में रहोगे मेरे साथ ये क्या हुआ मैं पांच सौ रुपए में महीना निकालने वाला आदमी है ना है ना हाँ दोस्तों से थोड़ा मैनेज करके चलने वाला आदमी आज मेरे पास पांच लाख रुपए करूँ क्या इसका स्कूल फीस पापा भर रहे हैं कपड़े मम्मी ला दे रही है बाकी सारी चीजें ठीक है गिफ्ट इधर उधर से आ जाते हैं अब करें क्या इसका तो उस वक्त बेसिकली मिसमैनेजमेंट कंट्री के अंदर काफी होने लग जाता है और जब मिसमैनेजमेंट काफी ज्यादा होने लग जाता है वो कंट्री की इकोनॉमिक पॉलिसीज भी धीरे धीरे होने लग जाती है मतलब जिस कंट्री ने अभी तक पैसा नहीं देखा उसका हाथ में पैसा ला करके दे दो मतलब लंगूर के हाथ में अंगूर दे दो और फिर वो अंगूर खा करके वो लंगूर बीमार हो जाता है और उसको कहा जाता है डच डिजीज उसको क्या कहा जाता है डच डिजीज डच डिजीज समझ में आया किसी भी कंट्री के अंदर अन ईवन ग्रोथ रेट देखने को मिलती है मतलब कभी बहुत ही अच्छी ग्रोथ कभी वापस बहुत ही कम ग्रोथ और लोअर ग्रोथ बिकॉज ऑफ डिस्कवरी ऑफ नेचुरल रिसोर्स वहां पे बहुत ही अच्छे प्राकृतिक संसाधन मिल चुके हैं राइट right? समझ में आ गया

बोले यार अच्छा है ठीक है ना तो हम लोग क्या करना एक्सपोर्ट करना शुरू करते एक्सपोर्ट करेंगे तो डॉलर आएगा और इसके कारण हमारी एक्सचेंज रेट ऑफ द करेंसी अप्रिशिएट हो जाएगी जब हम ज्यादा अच्छे से इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड करेंगे तो ज्यादा हम डॉलर कमाएंगे डॉलर कमाएंगे उसके मुकाबले फिर हमारा रुपया

और इसी चीज को द इकोनॉमिस्ट ने 1988 के अंदर क्या लिख डाला इन्होंने इन्होंने 1977 में इन्हों लिख, दिया कि ये डच डिजीज है मतलब एक कंट्री के अंदर जनरली रिसोर्स अच्छा मिलने से पैसा अच्छा कमाने से एप्रिशिएट होती है उसकी आपके पास में करेंसी की वैल्यू डॉलर के अगेंस्ट बट यहां पर देखो सेगमेंट मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट जो है वह वीक हो गया है इसका क्रक्स यही है अब इसका सॉल्यूशन क्या है आपके पास में इसका कुछ सॉल्यूशन भी है सॉल्यूशन तीन है कि सर ऐसे सिचुएशन से बचा कैसे जाए ऐसी सिचुएशन से बचा कैसे जाए कि अगर पापा तुमको पांच सौ की जगह पचास हजार रुपए पॉकेट मनी दे दे तो इस तरीके से बचा जाए सबसे पहला तो हम लोगों को क्या करना है फिस्कल पॉलिसी पॉलिसी मतलब हमारी पैसे को रोकड़े को रोकड़े मैनेज करने की दो होती है एक फिस्कल होती है एक मॉनेटरी पॉलिसी होती है फिस्कल पॉलिसी बनाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना और मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है मैक्रो इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए आपके पास में आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब उस कंट्री की सरकार इस तरीके से बजटिंग करें एक्सपेंडिचर अच्छे से चलाए रेवेन्यूज उसको अच्छे से मैनेज करें करें उसको उसको कुल तरीके तरीके से से हर एक तरीके से जो प्रॉपर स्पेंडिंग है उसको भी कंट्रोल मतलब सरकार अपना पैसा अच्छे से खर्च करे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटरेस्ट रेट और मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज को और इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लेके चले कुल मिलाकर के क्रेडिट का और लिक्विडिटी का जो साइकिल है उसको बहुत ही अच्छे से चलाना चाहिए तीसरा यहां पे ये चीज बताने की कोशिश कर रहा है कि हमको स्पेंडिंग पॉलिसीज बनानी चाहिए पब्लिक स्पेंडिंग पॉलिसीज अच्छी होगी जनता के अंदर बेसिकली क्या मार्केट के अंदर कहते हैं सर आर्थिक इकोनॉमिक साइकिल चलता रहना चाहिए यह चक्र चलता रहा जैसे कि अब मैं टीच कर रहा हूं आई एम गेटिंग अ उस रेमेशन से आई एम बाइंग दिस पेन आई एम बाइंग दिस बुक आई एम बाइंग दिस मोटरसाइकिल आई एम बाइंग दिस होम एंड समथिंग लाइक दैट तो इससे क्या चल रहा है वेन आई एम अर्निंग आई एम ऑल्सो मेकिंग अदर्स अ एम्प्लॉयबल मीन उसके कारण बेसिकली दूसरों से मैं सामान खरीद रहा हूं राइट एंड दैट इज हाउ इकोनॉमिक साइकिल इज फॉरवर्ड यही चीज है है कि सर स्पेंडिंग हैबिट जो है, उसको कंट्रोल करना ऐसी पॉलिसीज बनाई जाए आपके पास में ताकि स्पेंडिंग पॉलिसीज जो है पब्लिक स्पेंडिंग जो है वह कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द इंपोर्ट्स एंड द ट्रेडेबल उसके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस रखा जाए दैट वुड हेल्प स्लो द इंपैक्ट ऑफ द डच डिजीज क्योंकि हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री तो कम जा रही है ना तो ज्यादा से ज्यादा लोग बैंक रिजर्व बैंक अच्छे से काम करे और हमारी इंपोर्ट पॉलिसीज अच्छी हो हमारी जो स्पेंडिंग की पॉलिसीज अच्छी हो आर वी क्लियर मजा आया आर वी ऑल एबल टू अंडरस्टैंड एंड एंजॉय दैट क्लास इफ सो डू लेट मी नो डू लेट मी नो और हाँ आज शाम को ये क्लास है शाम को बहुत ही मजा आएगा बहुत ही फनी वे के अंदर

पॉलिटिक्स के ऊपर और आपके क्लैट के ओवरऑल स्कोर के ऊपर सी यू एट एट ओ क्लॉक लेटर इन द इवनिंग अंटिल देन थैंक यू जय हिंद सर्वोदा शक्तिशाली गॉड प्ले